वेलकम अगेन। और ये मेरा फिफ्थ वीडियो है वृंदावन टूर का। अब तक हमने बहुत सारे मंदिर कवर कर लिए हैं, जिनमें से प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेंपल, नया रंग जी का मंदिर और सुबह निधि वन हमने कवर किया था मेरे लास्ट वीडियो में। और आज हम निधि वन में ही दूसरा पार्ट, जिसका चार धाम मंदिर है और दूसरे मंदिर हैं, वो कवर करने वाले हैं। अगर आपने मेरे वो वाले वीडियो मिस कर दिए तो कोई बात नहीं, आप आई बटन में उनका लिंक मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाके उनको देख सकते हैं। और वृंदावन में कुछ 6000 से ज़्यादा मंदिर हैं और 6 महीने भी कम पड़ जाएंगे, तो केवल मोस्ट टेंपल हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मदन मोहन जी मंदिर, लेकिन क्योंकि जन्माष्टमी का अवसर था और काफ़ी क्राउड था, तो हमने केवल मेन टेंपल आपको दिखाने का ट्राई किया है। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कहाँ पे आपको जाना है और किस तरह से आपका दिन, कितने दिन आप लेके चल रहे हैं घूमने के लिए, उस पर आपका ट्रिप डिसाइड करेगा। हमेशा की तरह हमने गाइड हायर किया है जिससे हमको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो हमारा अभी निधि वन का दर्शन हो गया है और हम भैया के साथ अभी दूसरा मंदिर जा रहे हैं, वो है चार धाम वृंदावन। और उसके बाद बांके बिहारी तो हमारी पूरी यात्रा हो जाएगी ये। और निधिवन बहुत ही प्यारा लगा। मैडम साथ में आइए, थोड़ा टीका थोड़ा लंबा लग गया, पसीना आ रहा था थोड़ा। एक बाप ने बताया, एक बेटे ने बनाई धर्मशाला। अच्छा, बाप बेटे ने धर्मशाला। और माता जी ने क्या दान में दिया? पानी का कुआ। बोले बाप बेटे ने नाम किया वृंदावन में, मेरा नाम तो कुछ भी नहीं है, तो माता जी ने जी जल सेवा दान में दिया। तो पहले पानी का बंद हो गया, बंद हो गया है, ऊपर तो लग गया ना, पटिया लगी हुई है। हाँ हाँ, तो पहले हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा ही दान करते थे। सही है, यही दान था। किस लिए? अपना बंत बनाने के लिए। जो इनकी माता ने किया, बाप जी की धर्मशाला हुआ है और माता ने कुआ दिया, हालांकि बंद कर दिया अभी। तो इस तरह के पहले दान हुआ करते थे, अपने लिए नहीं सबके लिए, बंत बढ़ाने के लिए, बंश बढ़ाने के लिए। ये बंसी बट है, यहाँ राधा रानी मान करके बैठी है एक जगह पे, और यहाँ पेड़ भी है बंसी बट का। राधा रानी नाराज होकर बैठी है, भगवान कृष्ण जी थे महाराज लीला में नाराज हो गई थी, ये 16000 गोपियां थी ना, तो राधा रानी नाराज हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ छोटे से रूप में बैठी है दर्शन करना। ये बंसी बट देखेंगे अभी, बंसी बट का पेड़ है ऊपर 5500 साल पुराना। हाँ, कीर्तन रास लीला 12 महीना होती है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, हाँ, ये प्राचीन जगह है जी भगवान। आ जाओ चप्पल जी के अंदर। ओके, बंसी भट्ट में हम आए हैं, देखिए इधर आ जाइए मैडम। और ये दीदी चप्पल हमने उतार दी अपने, और ये भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे वो भागवत भागवत कथा कीर्तन 12 महीने भागवत यहाँ ठाकुर जी का भागवत का होता है, 9 बजे यहाँ भजन कीर्तन होता है, 10 बजे तक का। हजार साल पुराना पेड़ है यहाँ लगा लो, यहाँ पे परिक्रमा हम लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, जो प्लेस मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ही रेयर हैं, ये आपको कम ही वीडियो में देखने मिलेंगे, क्योंकि हमने गाइड किया था इसीलिए हम ये प्लेस देख पाए, क्योंकि ये ज़्यादातर फेमस भी नहीं है लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो आई एडवाइज यू हायर ए गाइड एंड प्लीज विजिट दोज प्लेसेस। ये मनोकामना वालों की नेम प्लेट है,
जिन जिन का कामना पूरा हुआ ना, के बाद में चार धाम वृंदावन जी महाराज का मंदिर मनोकामना मनोकामना पूर्ण हो गया। जमुना जल का छींटा लगाओ, मन को शुद्ध कर दो, शरीर को पवित्र कर। पच्चीस लाख नेम प्लेट है जी पूरे यहाँ से लेकर जमुना जी के चारों तरफ में, अभी सब मनोकामना वालों की नेम प्लेट है। नहीं नहीं आती है, अरे कोई बात नहीं। सामने जमुना जी का दर्शन है, ये सामने देख रहे हो ना, ये जमुना महारानी है, कृष्ण जी की पहली पटरानी है जमुना जी। इसी जगह भगवान ने काली नाथ को नाथा था यहाँ, हाँ जी, और मारा नहीं था उसको, उसको आशीर्वाद दे के रमणदीप भेज दिया था। और इसी जगह भगवान ने काली नाथ को नाथने के बाद में सारे तीर्थियाँ बुलाए माता के लिए। जो लोग चार धाम नहीं जा पाते हैं, अपने परिवार को नहीं करा पाते हैं ना, यहाँ दर्शन करने से, यहाँ का प्रसाद लेने से आपको कोई पुण्य प्राप्ति मिलता है जो माता यशोदा को भगवान ने यहाँ किया। और यहाँ जो भी श्रद्धा भावना से आते हैं, अपनी मनोच्छा लेके आते हैं, विश्वास श्रद्धा पर सब कुछ है यहाँ पर, और विश्वास नहीं श्रद्धा नहीं तो किसी भी मंदिर में चले जाना, कुछ नहीं मिलता। और जी जोधपुर के राजा ने बनाया इस मंदिर को, बाकी बिहारी का तो बनाया भरतपुर के राजा ने, अच्छा ये बनाया जोधपुर के राजा ने, अभी बाकी बिहारी का पुराना मंदिर है, मूर्ति भी पुरानी है वृंदावन के राजा लोगों के यहाँ पे। और दाऊ जी ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं गए, और राजा भी ब्रज के जय ही है दाऊ जी महाराज, और तीसरा अवतार में रहे पृथ्वी भी, ये संत हुए थे जैसे स्वामी हरदास जी का आपने दर्शन किया ना, ये हिम्मतगिरी महाराज संत हुए थे यहाँ पे, ये सेवा करते थे पहले यहाँ पे, जैसे स्वामी जी बांसी बैल जी की सेवा करते थे ना, ऐसे ही ये भी संत ऐसे हुए, ये भी चमत्कारी संत हुए, इनका नाम था हिम्मतगिरी महाराज, ये उनकी समाधि है यहाँ। यहाँ जो भी इच्छा लगाते हैं ठाकुर जी उनकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। दो पकमा लगा लो, राधे श्याम राधे श्याम, भगवान हर जगह भोग लगता है, यहाँ भगवान का भोग इसलिए लगाते हैं, जैसे आप लोग चार धाम नहीं जा पाते हैं ना, तो यहाँ माता ने क्या दान किया था, 1,25,000 गौ दान करी, इसलिए भगवान ने करवाई थी कि जब तक तू दान नहीं करेगी माता तुझको पुण्य प्राप्ति नहीं मिलेगा। घर में भी हम कथा कराते हैं, कोई कीर्तन भजन पूजा पाठ जो भी कराते हैं, जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा दोगे तो उसका फल नहीं मिलता। ऐसे ही माता से भगवान ने क्या दान कराया, 900,000 में से 1,25,000 गौ दान करवाई, इसलिए कि मेरा परिवार दोबारा ब्रह्मनुष्ट जोनी में आवे, दूसरी जोनी नहीं मिले उसको। तो भगवान कृष्ण ने अपनी माता को भी नहीं छोड़ा बिना दान कराए, यहाँ इसलिए दान करते हैं, इनका महत्व है कि जैसे भगवान को यहाँ खिचड़ी भोग लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर में जीवन में दलित्रता नहीं आवे, यहाँ भगवान को खिचड़ी का भोग लगाते हैं। सुदामा की पत्नी ने क्या दान किया भगवान को, 12 साल दलित्र भोग के चावल दान किए थे, यहाँ चावल का महत्व इसलिए भोग लगाते हैं, सबसे छोटा भोग होता है ये। माँ कन्यात्री भोग अपनी मनोकामना के लिए लगाते हैं, और राजभोग अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लगाते हैं। यहाँ 3 भोग लगते हैं, 5,000 मंदिरों में एक जगह यहाँ भगवान का भोग लगाया जाता है। और यहाँ से आपको 3 चीज मिलती है, राधा रानी का पीतांबर वस्त्र, घर के लिए प्रसाद, और जो भी मनोकामना होती है जो माला मिलती है, विश्वास श्रद्धा पे उस माला का गंगा जल में धोकर धारण करोगे और गंगा जल को पी लोगे तो ठाकुर जी आपकी इच्छा पूरी करते हैं। जब कामना पूरी हो जाती है भक्तों की, उसके बाद में फिर भी भक्ति लोग ऐसा लगा, विश्वास श्रद्धा पे सब कुछ, हाँ सब नाम ही तो आते हैं इनके, सबका नाम लिखा हुआ है हाँ, कि वृंदावन में नाम लिखावे, जन्म जन्म दुख नहीं पावे, अंतकाल वैकुंठ पूजा, क्योंकि भगवान के चरणों में पास 1 फुट भूमि दान होती है। सही है, सही है। और 10,000 गरीबों की दुआ मिलती है इस मंदिर। सही, चलिए हमारा दूसरा मंदिर भी हो गया कवर, और तीसरे मंदिर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और मूर्ति तो अंदर, मूर्ति अंदर है ना, दर्शन करा रहा हूँ ना, वो तो वो अलग चीज है, वो समाधि थी वो तो। ये इनका मेन मंदिर है, चार धाम मंदिर। और इतना सारा मंदिर विजिट करने के बाद अब बारी थी पेट पूजा की, और वृंदावन में कचौड़ी और बड़ी से अच्छा नाश्ता और क्या हो सकता है, तो चलिए खाते हैं कचौड़ी।
ये हमने ली है कचौड़ी, इतना गरम गरम सिक रहे, और लस्सी का भी ऑर्डर किया है एकदम लस्सी। और थोड़ा बताइए मैडम कैसा है थोड़ा वृंदावन की गलियों का लस्सी और कचौड़ी? हाँ बच्चे भी खा सकते हैं, ज़्यादा तीखी नहीं है। ये एकदम गलियों में है, बिल्कुल पतली पतली गलियों में ये दुकान है। हमने यहीं खाने का, क्योंकि यहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं है बिल्कुल, और बाहर तो एकदम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ा हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एकदम ज़बरदस्त और एकदम बढ़िया ये दुकान है। आप यहाँ पर करिए, बहुत ही मस्त एकदम इन्होंने लस्सी बनाई है एकदम ज़बरदस्त। और ये कचौड़ी बिल्कुल मिर्च नहीं है, बच्चे भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी नाश्ता। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और कुछ और टेम्पल मंदिर हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है सोने के खंबा मंदिर, और दूसरा है कांच महल जिसको शीश महल का मंदिर भी बोला जाता है, और उसके बाद हम कवर करेंगे पागल बाबा मंदिर। तो बहुत ही एक्साइटमेंट होने वाला है, फन होने वाला है आपको। प्लीज़ वॉच माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।